तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम BHU के BFA एंट्रेंस एग्जाम 2010 के पेपर के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2010 में, उस पेपर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि जितना भी पेपर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड और आंसर से रिलेटेड जितने भी फोटोज़ और पिक्चर्स जितने भी रिलेटेड हो सकेंगे, जितने पॉसिबल हो सकेंगे, उतना मैं आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने और देखने के बाद आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी पेपर आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएँ, उस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अक्सर करके BHU अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। बात करें 2010 वाले पेपर की, तो इसमें आप देख सकते होंगे इसमें 45 मिनट का टाइम मिला था, 45 मिनट का टाइम मिला था, और 150 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन था, और प्रत्येक 3 अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, जैसा कि आप इसमें नीचे पढ़ सकते होंगे। माइनस मार्किंग के लिए आपका 1 नंबर काट दिया जाता था। बात करते हैं यहाँ के क्वेश्चन की, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? तो इसमें इसका राइट आंसर है आलता। आलता जो है मिट्टी से नहीं बनता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? काफ़ी सिंपल सा सवाल है दोस्तों, 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो किसी भी पेंटिंग जो आयाम होता है दोस्तों, वो याद रखिएगा 2 आयाम होता है, यानी कि 2D, और जो पेंटिंग्स जो मूर्ति होते हैं, जो स्टेचूज होते हैं, वो सब 3D होते हैं, यानी कि 3D होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मदर टेरेसा किसने चित्रित किया? तो मदर टेरेसा जो है वो MF हुसैन ने चित्रित किया, क्वेश्चन नंबर 4 MF हुसैन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल कला शैली निम्न तकनीकी से जानी जाती है? तो काफ़ी फेमस है बंगाल तकनीकी अपने वॉस टेक्निक के लिए फेमस है, जो कि अवनींद्रनाथ ठाकुर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में? तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कोलाज कहते हैं, याद रखिएगा, कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कितने? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मकबूल फिदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है, मकबूल फिदा हुसैन यानी कि MF हुसैन भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है? याद रखिएगा दोस्तों, इसके पहले जो आपका क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था कि कागज़ के कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो इसका कोलाज होगा। जबकि 10वें वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनाई जाती है, तो ये पेपर मेसी से बनाई जाती है, थर्ड पेपर मेसी से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किन रंग के साथ हम माध्यम नहीं रखते हैं? तो वाटर कलर में वाटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें माध्यम रखते हैं। ऑयल कलर की अगर बात करें, तो उसमें ऑयल का यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी मीडियम्स होते हैं। एक्रेलिक कलर में भी आप ऑयल का मीडियम यूज़ करते हैं, और एक्रेलिक कलर में जेल का भी यूज़ किया जाता है। रिटार्डर मीडियम एक होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। जबकि यहाँ पर पेस्टल जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। पेस्टल से आप डायरेक्ट सीधे कैनवास या फिर अपने पेपर पर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पेस्टल कलर। ये इसमें माध्यम का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पारंपरिक मूर्तिकला की एक अर्थशिल्पी सही विशेषता बताइए। नैसर्गिक, रिप्रेजेंटेशनल, अमूर्त एवं वस्तुनिरपेक्ष, आदर्शपूर्ण। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आदर्शपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शहनाई वादक कौन थे? तो शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो थे, यानी कि आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है, काफ़ी सा सिंपल सा सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? तो ये पाकिस्तान में मौजूद है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शांति निकेतन कहाँ निकट है? तो शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है, ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको और भी मतलब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, जो भी प्रीवियस ईयर के जितने भी ढेर सारे वीडियोस हैं, वो सभी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उससे भी क्वेश्चंस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी आप देखिएगा और याद करिएगा। और बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की, तो विख्यात खजुराहो निम्नलिखित प्रदेश में? तो विख्यात खजुराहो कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में।
मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? तो इसका राइट आंसर है केरल में जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विख्यात कार्टूनिस्ट का नाम बताइए? तो आर के लक्ष्मण इसमें से विख्यात कार्टूनिस्ट हैं। एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा ऐसा पेंटर हैं दोस्तों। आर के लक्ष्मण जो है वो कार्टूनिस्ट हैं, यानी कि व्यंग्य चित्रकार जो हैं वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पोस्टर का सामान्य आकार क्या होता है? तो 20x28, 10x12, 22x30, 36x40। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 20x28 होना चाहिए, और ये पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक है दोस्तों 20x28 ही होना चाहिए पोस्टर का सामान्य आकार। अगर आपको इसका श्योर आंसर पता होगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर पता होगा, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके बाद उसको फिल्टर करके देख के चेक करके आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में किससे प्रयोग करते हैं? तो टेक्सटाइल डिजाइन में इसका भी आंसर दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक है आलू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आलू में इस तरह से डिजाइन बना के फिर उसके बाद प्रिंट कर दिया जाता है टेक्सटाइल कपड़े के ऊपर या फिर किसी दरी वगैरह के ऊपर उसको प्रिंट कर दिया जा सकता है। तो जहाँ तक है आलू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित? तो ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? तो इनमें से जो है नीला और हरा रंग उष्ण नहीं है, काफ़ी ठंडा रंग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, ऑफसेट कलर प्रिंटिंग पूरे कितने रंग प्रयोग होते हैं? तो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में टोटल 4 रंग प्रयोग होते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 4 रंग प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित? तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है, मुंबई में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है? तो प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में, सॉरी इसमें सारनाथ और वाराणसी दोनों दिया गया है दोस्तों। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसमें सारनाथ वाराणसी दोनों दे दिया गया है, तो याद रखिएगा ये सारनाथ इसका राइट आंसर है, सारनाथ, जबकि सारनाथ जो है वो वाराणसी के अंदर ही आता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सारनाथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बामियान की गुफाएं कहाँ हैं? तो बामियान की गुफाएं अफगानिस्तान में हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए? तो किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंसर नंबर दो, एम एफ हुसैन ने अपने प्रारंभिक जीवन में पोस्टर चित्रित किए। स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो प्लानोग्राफी कहलाती है, स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया प्लानोग्राफी कहलाती है। काबा शरीफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, काबा शरीफ कहाँ पर स्थित? तो काबा शरीफ मक्का में स्थित है, याद रखिएगा मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? तो इसमें से कौन सी पेंटिंग अजंता की गुफा में मौजूद है? मोनालिसा, ये गलत आंसर है। वीनस का जन्म, ये भी नहीं है। बनी ठनी, ये भी नहीं है। पद्म पाणी जो है दोस्तों ये अजंता की गुफा में मौजूद है, याद रखिएगा अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, अशोक स्तंभ किससे बना है? तो अशोक स्तंभ जो है चुनार के सैंडस्टोन से बना है, यानी कि चुनार सैंडस्टोन से बना है, चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्माता भी है? तो एम एफ हुसैन में से फिल्म निर्माता भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एम एफ हुसैन फिल्म निर्माता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस जिले में वृंदावन मौजूद है? तो मथुरा में वृंदावन मौजूद है, याद रखिएगा, मथुरा में वृंदावन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार इसमें से प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है दोस्तों इनमें से धनराज भगत, क्वेश्चन नंबर 36, धनराज भगत प्रसिद्ध मूर्तिकार ये हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए खुरजा स्थान प्रसिद्ध है, खुरजा, याद रखिएगा खुरजा, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कांच की चूड़िया के लिए फ्रीजर
फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप आई होप कि आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। चिकन काशीदाकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है, लखनऊ चिकन काशीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 40, विख्यात हवा महल किस शहर में है, ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है दोस्तों, कई बार रिपीट किया गया है, तो जयपुर में विख्यात हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया मौजूद है, ये भी काफ़ी सिंपल सा सवाल है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया मौजूद है। याद रखिएगा यहाँ पे इंडिया गेट नहीं पूछा गया है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया मौजूद है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस शहर के निकट बुलंद दरवाज़ा स्थित है, आगरा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, जौनपुर, तो इसका राइट आंसर है आगरा। आगरा फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों, उसमें बुलंद दरवाज़ा है और आगरा उसके काफ़ी करीब है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आगरा है। क्वेश्चन नंबर 43, किस नगर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों, मदुरै। किस शहर की में विख्यात मीनाक्षी मंदिर है, तो मदुरै में विख्यात मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एम्फिक्स का प्रयोग किसमें होता है, तो एम्फिक्स का प्रयोग किसमें होता है, प्रोसेसिंग फिल्म में, इनलार्जर की एडजस्टिंग में, ड्राइंग की फिक्सिंग, डिस्टेंस की फिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 44, एम्फिक्स का प्रयोग किसमें होता है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में कौन सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो विश्व में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, मानवाकृति, महंगे रंग, अच्छा कागज, अच्छा संयोजन, तो राइट आंसर है अच्छा संयोजन। किसी भी चित्र के को बनाने के लिए सबसे अच्छा उसका अच्छा संयोजन होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन प्लास्टिक आर्ट्स की सामग्री नहीं है, तो इसमें से मरकरी जो है वो प्लास्टिक आर्ट की सामग्री नहीं है, मार्बल, ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, ये सभी प्लास्टिक आर्ट यानी कि स्कल्पचर या तो फिर पॉटरी में इसका यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता, तो याद रखिए मरकरी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48, सिरेमिक टाइल्स का निर्माण होता है ब्रॉन्ज, लकड़ी, सीमेंट या चाइना क्ले, तो इसका राइट आंसर है चाइना क्ले से इसका निर्माण किया जाता है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों विक्रम संवत जो है वो 57 BC में शुरू हुआ, इसमें इसका राइट आंसर नहीं दिया गया है, तो इसमें से जो इनमें से कोई नहीं है उसका ये राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, एक कॉलम का आकार क्या होता है, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा, आप मेरे चैनल पर फाइन आर्ट्स और ड्राइंग्स से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और बात करें इस क्वेश्चन की यानी कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की, तो एक कॉलम का आकार क्या होता है, तो एक कॉलम का जो आकार होता है वो 4.5 सेंटीमीटर होता है, तो 4.5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये रहा BHU के BFA एंट्रेंस एग्जाम 2010 का पेपर जो कि अभी हमने देखा, और एग्ज़ाम के लिए होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।